दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीलेट के रिवीजन कोर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि योर ऑनलाइन पार्टनर पर कोर्स 501, 502, 503 का यहां पर रिवीजन हो रहा है, तो पैरेलली तीनों का रिवीजन हो रहा है। तो आज कोर्स 503 का पहला रिवीजन वीडियो है। इससे पहले का अगर आपने वीडियोस 501, 502 का भी नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक दिया हुआ है, 501, 502, 503 तीनों के कोर्स सीरीज का। वहां पर से आपको जैसे भी वीडियो अपलोड होते जाएगा आपको वहां पर दिखते जाएगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। चलते हैं, हम आज रिवीजन करेंगे कोर्स 501 का पहला इकाई का, जो कि हमारा पहला वीडियो होगा। तो इकाई वाइज आपको आगे वीडियो भी मिलते जाएगा। तो ये जो पहला इकाई है ये मेनली लैंग्वेज के ऊपर है, भाषा के ऊपर है कि भाषा को किस प्रकार से संरचना किया जाता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और उसमें व्याकरण का कितना महत्व होता है, उसकी परिकल्पना कैसे की गई और किस प्रकार से भाषा से साहित्य बना, ये हर एक चीज इसमें आता है। तो इसमें से जो जो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे दूं कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको भाषा की परिकल्पना और महत्व की, मतलब लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जो भी आप भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं या यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उनका क्या महत्व होता है और भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है, मतलब किस प्रकार से आप जो है भाषा का ध्वनि संरचना होता है या शब्द की संरचना होती है या उस शब्दों से वाक्य बनते हैं और उस वाक्य से संवाद बनता है, जिसे कि हम लोग कन्वर्सेशन बोलते हैं, वो कैसे होता है। और उसके आगे है इसमें मानकीकृत भाषा, मतलब जो भाषा को मान्यता मिली हुई है किस बिहाब पे मिलती है, और भाषा का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, भाषा वो साहित्य के बारे में, साहित्य किस प्रकार से जो है भाषा से जुड़ा हुआ है और भाषा में प्रवीणता हासिल करने की क्या बात है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से निकल रहे हैं और जो रिवीजन पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों वो ये है कि जैसे कि शब्दों की संरचना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो क्वेश्चन होगा मेनली ये अकेला शब्दों की संरचना 6 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जो आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है 5 नंबर का, वो 5 नंबर का नहीं बन सकता है, लेकिन शब्दों की संरचना के साथ और भी चीजें जोड़ के आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसमें ये एक पार्ट हो सकता है कि शब्दों की संरचना कैसे होती है उसके बारे में बताएं, उसके बारे में कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे के बताना होगा। तो बेसिकली शब्दों के स्तर पर जो भाषा है वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से एक अच्छे मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच में की जाती है। इसमें आता है कि कोई चीज़ एक वचन है तो उससे बहुवचन कैसे बनेगा, या संज्ञा कुछ है तो उससे विशेषण कैसे बनेगा, यह सब शब्द निर्माण संबंधी नियमों पर ही आधारित होता है। और यह सच है कि अलग अलग तरह के शब्द समूह के लिए अलग अलग तरीके के नियम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि हिंदी में घर वो लड़का दोनों पुल्लिंग हैं। तो घर जो शब्द है, घर और जो शब्द है लड़का, ये दोनों पुल्लिंग हैं, ये एक वचन भी है, तो क्या इसके बहुवचन होंगे। तो ये सब जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको देखिए, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर एक है लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरा है लड़के ने खाना खाया, तीसरा है मोहन के पास कई घर हैं, चौथा है यह घर बहुत सुंदर है। तो इसमें अगर आप वाक्य 1 और 3 में देखें, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं और मोहन के पास कई घर हैं, इसमें अगर आप देखें तो लड़के और घर दोनों बहुवचन हैं, दोनों में हैं का प्रयोग हुआ है। लेकिन 2 और 4 अगर आप देखें कि लड़के ने खाना खाया और यह घर बहुत सुंदर है, तो यह एक वचन है। तो यह शब्दों की संरचना पर पूरी तरीके से निर्धारित होती है कि यह किस प्रकार से यहाँ पर काम करता है, और यहीं से शब्दों की संरचना बनाई जाती है। अब आप यहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ सकता है कि हिंदी में संज्ञा के कितने रूप हैं। तो ये थोड़ा व्याकरण रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें लगता है कि संज्ञा के 2 या 3 रूप होते हैं, तो बेसिकली संज्ञा के 6 रूप होते हैं। 6 रूप यहां पर कैसे होते हैं, यहां पर आपको उसके बारे में दिया भी हुआ है। तो उसमें अगर आप यहां पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पष्ट है कि हिंदी में हर संज्ञा के 2 या 3 नहीं बल्कि 6 रूप होते हैं। इनमें से कुछ रूप एक से दिखते हैं पर उनका अलग अलग संदर्भों में प्रयोग होता है और उनके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। इसलिए 1 में तो लड़के बहुवचन है और 2 में एक वचन है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। एक है पहला कि लड़का खेल रहा है,
उसके बाद है दूसरा, लड़के खेल रहे हैं, कितना रूप हो सकता है वो देखिए। लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया, ओ लड़के इधर आ, ओ लड़कों इधर आओ। तो आप देख रहे हैं हर का यहाँ पर एक वचन में, बहुवचन में, तरह तरह का यहाँ पर रूप हो रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि जो संज्ञा का रूप होता है वो दो या तीन जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं होता है, संज्ञा का टोटल 6 रूप होता है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, हिंदी में संज्ञा के रूप होते हैं, इसका ऑप्शन आपका होगा चौथा, जो कि है 6। तो ये ऑप्शन इसका आपका यहाँ पे सही होगा। अगला जो यहाँ पर इंपोर्टेंट निकल के आता है वो है मानकीकृत भाषा, कि भाषा का मेनली यहाँ पे यही है कि किस भाषा को मान्यता दी जाती है और क्यों दी जाती है। तो उसमें मेनली आप देख सकते हैं कि मानकीकरण की परंपरागत प्रक्रिया के कई चरण हैं कि किस प्रकार से मान्यता दी जाए। पहला चरण तो यह है कि किसी समाज में प्रचलित भाषाओं में से एक विशेष भाषा को चुना जाता है। मान लीजिए कहीं पर 10 तरीके का भाषा बोला जाता है, तो इंडिया में खास करके ये बहुत ज्यादा है कि हर 10-15 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाता है और एक ही जगह पे तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो यह भाषा अक्सर समाज के उस वर्ग की होती है जो सत्ता में होता है, मानकीकृत भाषा की बात हो रही है। तो उच्च कोटि के ब्राह्मण सत्ता में होंगे तो मानकीकृत भाषा संस्कृत होगी, अरब से आए लोग सत्ता में होंगे तो भाषा अरबी होगी, और यदि फारसी बोलने वाले राज करेंगे तो भाषा फारसी होगी। जब अंग्रेजों का राज आया तो भारतों की सब भाषाओं को छोड़कर अंग्रेज का बोलबाला हो गया, तो यहाँ पर अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दे दिया गया। ये हो गया पहला चरण। दूसरा चरण ये है कि इन भाषाओं की अनेक शैलियां, बोलियों में से कौन सी शैली या बोली चुनी जाएगी। एक बार फिर वही शैली या बोली चुनी जाती है जो सत्ताधारी वर्ग से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर यही आप एक तरह से सोचिए कि जिस सत्ता का, जिनका बोलबाला होता है, वो भाषा यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जब अंग्रेजी की बात होगी तो अंग्रेजी के उस रूप का विकास होगा जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आसपास बोला जाता है। जब हिंदी की बात होगी तो खड़ी बोली की बात होगी, और ब्रज भाषा और अवधी जैसी भाषाएं हिंदी की बोलियां कहलाने लगेगी। ये दूसरे चरण का हुआ। तीसरे चरण में है कि चुने हुए रूप के व्याकरण लिखे जाते हैं और अलग अलग तरीके के शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी बनते हैं। मतलब उस कौन से शब्द को किस रूप में पेश किया जाए, उसका क्या मतलब होगा, तो उसका शब्दकोश बनता है। कई तरीके के संदर्भ ग्रंथ लिखे जाते हैं। इसी शैली में सरकार का कामकाज होता है, वो अखबार और पत्रिकाएं आदि भी छपती है। तो वो शैली के रूप में यहाँ पर जो है विकास होता है। अंतिम चरण जो यहाँ पर है, चौथा चरण, उसमें क्या होता है कि भाषा का हर क्षेत्र में हर संभव तरीके से विकास करने के प्रयास किए जाते हैं। मानकीकरण की इस चरण सीमा पर एक ही व्याकरण या एक ही शब्दकोश नहीं होता है, बल्कि उस भाषा के अनेक व्याकरण या अनेक शब्दकोश बन जाते हैं। मतलब उसी भाषा का तरीके, अलग अलग तरीके का व्याकरण बन जाता है। तो वास्तव में हर विषय का अपना एक शब्दकोश अलग से लिखा जाने लगता है। तो ये यहाँ पर कुछ चरण है जहाँ से कि मानकीकरण की प्रक्रिया होती है। और मेनली यही बात हुआ कि जो जिनका बोलबाला होता है, जिस भाषा के लोग सत्ता में होते हैं, उसी भाषा को हमेशा से महत्व दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर से आपको ये क्वेश्चन आ गया कि मानकीकृत भाषा अक्सर समाज के उस वर्ग की होती है जो डैश में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो सत्ता में होता है। तो यहीं से आपका ये आंसर निकल जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, वो है भारत भाषा के सामाजिक पक्ष, कि जो भाषा का सामाजिक पक्ष, सोशल रूप से, सोसाइटी के रूप में भाषा का क्या महत्व है। तो बेसिकली इसमें देखिए कि जो भाषा होती है, भाषा को जिस भी समाज में बोला जाता है, उस समाज के हिसाब से भाषा अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए आप ये भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति, स्थान या विषय के रूप में भाषा बदलती है। आप किससे बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, उस समय जो आप भाषा का प्रयोग करते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच जो भाषा का प्रयोग करते हैं, या आप अपने विद्यालय में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सब भाषाएं में कुछ ना कुछ अलग रहता है। तो ये भाषा का सामाजिक पक्ष में आता है कि एक समाज के रूप में भाषा को आप कहाँ पर किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर कुछ बातें हैं कि बातचीत का जो संदर्भ होता है, कि मतलब जिस संदर्भ के लिए आप बात कर रहे हैं, या आदमी, जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, या जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर इंपोर्टेंस रखती है कि आपको किस प्रकार से बात करना है। यही भाषा का सामाजिक पक्ष है। तो आप जिस तरह अपने घर या खाने पीने के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं, उस तरीके से आप स्कूल
कि जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करते, इवन अपने पिता से ही। मान लीजिए आप अपने पिता से घर के बारे में, खाने के बारे में जो बात करिएगा, और अपने पिता से पढ़ाई लिखाई के जो बारे में बात करिएगा, दोनों का संदर्भ अलग होगा, उसका पक्ष अलग अलग होगा। जो शब्द और वाक्य संरचनाएं आप अपने दोस्तों से या सहकर्मियों से, कलीग से बात करते हैं, वो आप अपने विद्यार्थी से नहीं कर सकते हैं। तो वही होता है कि हर समय भाषा का एक अलग अलग पक्ष होता है, और उसी पक्ष के हिसाब से आप भाषा का प्रयोग करते हैं, जगह, समय और संदर्भ को देखते हुए। इसे ही भाषा का यहाँ पर सामाजिक पक्ष कहा गया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है कि हर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर अधिकतम किस स्तर पर होता है? तो ये चीज़ आप गौर किए होंगे कि हर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर लोगों की भाषा में परिवर्तन होती है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं उस भाषा को, तो आप समझ जाते हैं। तो वो किस स्तर पर होती है, मतलब वो जो अंतर होता है वो किस स्तर पर होती है? आपको ऑप्शन है यहाँ पर, वाक्य के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पर, या संवाद के स्तर पर। तो यहाँ पर ये अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में यहाँ पर आपको आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप इसमें भी देखें तो ये जो अंतर होता है 15-20 किलोमीटर पे, जो अंतर होता है वो वाक्य के स्तर पर कम होता है, क्योंकि वाक्य तो आप भी वही बनाते हैं जो वो बनाते हैं। जिस प्रकार की, मतलब जो वर्ड्स का इस्तेमाल आप करते हैं, उसी प्रकार की वर्ड्स का इस्तेमाल लगभग वो भी करते हैं। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा अंतर होता है वो ध्वनि के संरचना के स्तर पर होता है, मतलब आपका जो टोन होता है और उनका जो टोन होता है उसमें फर्क आ जाता है। शब्द वही बोलते हैं, जैसे आप भी बोलते हैं कि अरे मैं यार वहां गया था, कोई लोग बोलते हैं हम वहां गए थे, कोई बोलते हैं क्या कि हाँ मैं वहां पे गया था। तो ये मतलब जो टोन होता है, तो इसके ध्वनि के स्तर पर ये ज्यादा प्रभावित होता है कि आप किस प्रकार की ध्वनि में वो बोलते हैं, उससे यहाँ पे फर्क पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। अगला जो यहाँ पर आपका 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि उपमा वो रूपक में अंतर स्पष्ट करिए। तो ये उपमा और रूपक को आपको यहाँ पर परिभाषित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उपमा क्या है और रूपक क्या है, और उसमें किस प्रकार से यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर चलें, यहाँ उपमा और रूपक में अंतर देखें, तो उपमा से ये तात्पर्य है कि दो चीज मान लीजिए अलग अलग है, दो भिन्न वस्तुएं हैं या दो अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन उस दोनों में कोई समानता है, तो उसके बीच जो समानता है, तो उस समान गुण धर्म जो उनके बीच है उसके आधार पर समानता दिखाना, यहाँ पर जो है ये आपको उपमा कहलाता है। ये उपमा से यही तात्पर्य है। अब जैसे कि मान लीजिए जब आप फेसबुक खोलते होंगे, तो जब आप किसी किन कोई नए लोगों के प्रोफाइल में जाते होंगे, तो वो आपको दिखाता होगा कि ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, या आपने भी उस चीज को लाइक किया है जिसको कि उसने लाइक किया है। दिखाता है ना कि ये आपके दोनों के बीच में ये समानता है कि ये पेज है, ये पेज को आपने लाइक किया है, ये फ्रेंड आपके बीच का म्यूचुअल है। तो ये क्या हुआ कि आप दोनों एक अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ एक गुण है, कुछ एक धर्म है, कुछ एक चीजें हैं जिसके कारण कि आप में समानता है, तो इसे उपमा कहा जाता है। वहीं पर अगर हम रूपक की बात करें, तो रूपक में दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच भेद रहित संबंध को दर्शाया जाता है। जैसे कि मतलब उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है कि इसका भी, इसका ऐसा है या उसका वैसा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कश्मीर स्वर्ग है, तो यहाँ पर भेद नहीं किया जा रहा है कि कश्मीर स्वर्ग से अच्छा है या स्वर्ग कश्मीर से अच्छा है, ये नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर भेद रहित है, कश्मीर स्वर्ग है। जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो उससे अच्छा पढ़ाते हैं या वो उससे खराब पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है बात निकल के आती है कि कोई भेद रहित नहीं हो, कोई उसमें भेद ना किया जाए, लेकिन उसके बाद अगर किसी के गुण को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, तो उसे यहाँ पर रूपक का नाम दिया गया है। और इसी में आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के यहाँ से आएगा कि भाषा सीखने की कौन सी दो मुख्य परिस्थितियां मानी जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती है जिसमें कि आप भाषा सीखते हैं? तो ये दो तरीके का होता है दोस्तों। पहला तो होता है स्वाभाविक, दूसरा होता है औपचारिक। मतलब आप स्वाभाविक रूप से एक भाषा सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं वो आपको सिखाया नहीं जाता है। जो घर में आप बात करते हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद जो घर में बातें होती है वहां से बच्चे भाषा सीखते हैं, उसे स्वाभाविक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्वाभाविक से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जो सामान्यतया बच्चे बिना किसी के सिखाए अपने आसपास की भाषाएं स्वयं सीख लेते हैं। तो जैसे जो अंग्रेज हैं जो यूएस में या यूके में रहते हैं, मान लीजिए उनको
अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमें अपनी जो लोकल भाषा है, आंचलिक भाषा है, वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। लेकिन अब जहाँ पर मान लीजिए औपचारिक भाषा वो है जिस जो कि आप सीखते हैं, जो कि आपको सिखाना पड़ता है, और उस औपचारिक ढंग से बैठकर आप उस भाषा को सीखते हैं और औपचारिक ढंग से उस भाषा पर आपको बात भी करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर आप कोई कॉरपोरेट में जा रहे हैं, या कहीं ऐसे जगह पे जैसे कोई मीटिंग है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि कॉमन है, वहाँ पर जो आप भाषा बोलते हैं या उसके लिए जो आप भाषा सीखते हैं वो भाषाएं औपचारिक भाषा कहलाती है, और जो भाषा आप खुद सीख जाते हैं उसे स्वाभाविक भाषा कहते हैं। इस चैप्टर से और जो एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलेगा वो ये है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में प्रवीणता कैसे हासिल करता है। तो अगर इसके लिए हम लोग देखें तो इसका भी वहां से मिला जुला आंसर होगा आपको कि मान लीजिए कि बच्चा जहां पर 5-6 साल की उम्र से ऐसे समाज में रहता है जहां पर कि वो भाषा स्वाभाविक रूप से बोली जाती है, वहां पर अगर बच्चा रहे तो वो उस भाषा में प्रवीणता हासिल करता है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उस भाषा को सहज तरीके से और सरल तरीके से सुनता है और सीखता है। तो अगर ये चीज हो कि भाषा की प्रवीणता कैसे हासिल होती है, तो आप जब भी किसी चीज को स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट करेंगे, अब जैसे कि ना मान लीजिए कोई इंडियन ही है, वो जाके कहीं पर विदेश में कहीं पर बस गए हैं और वहां पर उनके बच्चे का जन्म होता है, वो जो बड़े होते हैं वो वहां की भाषा में ही प्रवीणता हासिल करते हैं और वो हमारी भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस भाषा का प्रयोग होता है और बच्चे उसे सहज और सरल तरीके से उस भाषा को सीखते हैं, तो वहां से आप ये कह सकते हैं कि उससे जो है बच्चों में प्रवीणताएं आती है। और बस एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण होगा वो है कि भाषा की प्रवीणता की आप जांच कैसे करेंगे। तो जांच जनरली मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो हम सुनकर कर लेते हैं या हम बोलकर कर लेते हैं, लेकिन जो मेनली जो मूल्यांकन होता है वो यहाँ पर चारों चीज को देखकर होना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों चीजों को मिलाकर ही जो है भाषा की प्रवीणता का मूल्यांकन करना चाहिए कि वो सुनते कितना अच्छा है। कहते हैं एक अच्छा वक्ता अगर होना बहुत बड़ी बात है तो एक अच्छा श्रोता होना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसा सुनते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा पढ़ते हैं और कैसा लिखते हैं, ये चारों चीज़ों को सम्मिश्रण करके ही आप कोई बोल सकते हैं कि इस भाषा में उनको प्रवीणता हासिल है। अब बहुत लोग देखेगा कि जैसे कि बहुत भाषा बोल लेते हैं लेकिन उसे लिख नहीं पाते हैं, लैंग्वेज उन्हें नहीं आती है, तो वो प्रवीणता नहीं हुई। तो ये चारों चीजों को मिलाकर ही होती है। तो ये दोस्तों यहाँ से रिवीजन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई जो हमने आपके साथ शेयर की। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और हर दिन हमारा वीडियो आप देखना ना भूलें रिवीजन का। और अगर आप वीडियो आपके मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा लीजिए ताकि आपके मोबाइल पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त में मिलता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो शेयर कीजिए लोगों के साथ। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।